आप देख रहे हैं पार्लियामेंट्री टीवी और मैं हूं आपके साथ भारती सिंह। हाल ही में लोकसभा चुनाव संपन्न हुए हैं और सभी सांसद अपने अपने कार्य में लग गए हैं। जी हां, और आज हमारे साथ हैं सुरेंद्र प्रसाद यादव जी, जिन्होंने आरजेडी पार्टी से जहानाबाद से लोकसभा सीट में जीत दर्ज की है। सबसे पहले आपका चैनल में स्वागत है। चलिए, आपको भी बहुत धन्यवाद, बधाई, और आपका जो चैनल है उसको भी बधाई मैं देता हूँ अपनी ओर से। जहां तक जीत की बात है तो चुनाव जो है वो लड़ता है पार्टी, और जीत होता है नेता का। नेता का नाम है लालू प्रसाद यादव, जो हमारे अभिभावक हैं और हमारे लीडर है तेजस्वी यादव। तो ये नेता और लीडर का जीत होता है और पार्टी का और जनता का होता है, सबसे बड़ा जनता का होता है। तो जो जनता हमको वोट दिया है, मैं उसको चरणों में अपना शीश नमन करता हूँ और लालू जी के भी चरणों में शीश नमन करता हूँ। बधाई देता हूँ मैं तेजस्वी यादव को, जिसने हमको टिकट देके चुनाव जिताया। क्या बताना चाहेंगे अपने जीवन काल के बारे में? आप तो काफी अरसे से राजनीति से जुड़े हुए हैं और अब लोकसभा में जीत दर्ज की है, तो आपको क्या अंतर दिखाई दिया अभी तक? लालू प्रसाद थे गरीब के नेता और वो हमेशा गरीब को चाहते थे जमीन से ऊपर उठाना, और बाकी जो आज तक पार्टी लेकर आया है ये बड़े लोग का पार्टी, अडानी जैसे लोग का पार्टी है, अंबानी जैसे लोगों का ही पार्टी है। तो चैनल वाले भी जानते हैं और आप भी जानते हैं कि इसे अडानी के जो चाहने वाले लोग हैं और अंबानी के चाहने वाले लोग, वो गरीब के प्रति कितना बढ़िया दया पात्र रखता होगा, विचार रखता होगा, वो आप लोग खुद समझते होंगे। ऐसा नहीं कि हम उनका कोई जन्मजात विरोधी आदमी है, पर वह जो दोनों हैं वो गरीब का खून पीने वाले, चूसने वाले हैं, किसी गरीब को जमीन से ऊपर उठाने वाले नहीं है। 24 घंटा भी काम करावेगा तो दूसरे दिन उसको मजदूरी मिलेगा 500, 500 मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। तो क्या लगता है कि उससे उसका सपना साकार हो जाएगा कि उसका भी बाल बच्चा कहीं अमीर बनेगा, वो स्वयं अमीर बनेगा? ऐसा नहीं है। 2 वक्त के रोटी अगर मिल जाए तो काफी है। अगर आपको देखना ही है तो झोपड़पट्टी में मेरे साथ चलिए, तो देखिए झोपड़पट्टी वाले ठीक घर पहुंचेंगे 9:30 बजे रात में, बस में लटक कर किसी तरह से, और 9:30 बजे रात में पहुंचेंगे तो जाते ही वो जो उसका घर में होगा सूखा रूखा खाएगा और चुपचाप से सो जाएगा, और फिर वह सुबह बिना खाए हुए बस पकड़ लेगा। कितना बजे? तो ठीक 5:30 बजे निकलेगा घर से, 6 बजे 6:30 बजे बस पकड़ के अपने काम पर चल जाएगा। वो जीवन में कभी बड़ा आदमी नहीं बनेगा, जीवन में उसका बाल बच्चा कोई अच्छा स्कूल नहीं पढ़ेगा, जीवन में कभी बढ़िया मकान में नहीं रहेगा। और मैं उन लोगों का सपोर्टर हूँ और उसी को मैं जीवन भर सपोर्ट करता रहूंगा। मैं उस पर बयान हमको दे आता है, लालू प्रसाद उसी का नेता है, तेजस्वी भी उसी का नेता है। किसान परिवार से आज आप यहाँ तक पहुंच गए हैं, कैसी जीवनी रही, परिवार की पृष्ठभूमि कैसी रही? देखिए, किसान को अगर दर्द जानना है तो जब आंदोलन करने के लिए हरियाणा पंजाब से लोग निकलता है या राजस्थान के इलाके से, तो एक बार उसका इंटरव्यू ले लीजिए, उसका दुख जान लीजिए। उसी महात्मा गांधी को सेंटिंग में रख दिया है, बाबा साहब का जो आदमकद स्टैचू है सेंटिंग में रख दिया है, नजर भी ना आता है, कोई जाता भी नहीं उधर, कोई पूछता भी नहीं है। तो ये लोग जो है देश के आजाद कराने वाले लोग आज संटिंग में है। हम जालियांवाला बाग जाके 4 बार देखे हैं और जब जाते हैं तो वहां रोते हैं जरूर, इतना बड़ा जो घटना घटा तो जरूर आंसू बहाते हैं। उसके लिए 2 बूंद भी आंसू बहाते हैं, ये समझ जाइए कि मेरे आत्मा को संतुष्टि मिलता है। लेकिन बात आपकी पार्टी की जाए तो आप अपने क्षेत्र के लिए क्या क्या योजनाएं लेके आ रहे हैं या फिर क्या कमी है जो दूर करना चाह रहे हैं? अभी जब हम मंत्री थे बिहार में तो तेजस्वी बाबू 5 लाख नौकरी दिए, 5 लाख
छात्र को नौकरी दी है। कोई न कह सकता है कि एक कप चाय पिया होगा। मैं जिस विभाग में था 1050 नौकरी दिया बिना एक कप चाय पिए हुए। टीवी में ना बोल रहे हैं तो पता ना चल जाएगा कि हम गलत बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं। 1050 नौकरी हमने दी अपने विभाग से। तो इच्छा शक्ति होना चाहिए मदद करने के लिए। तो तेजस्वी बाबू की इच्छा शक्ति था, उसने कहा था कि 10 लाख बेरोजगार में नौकरी दूंगा और 10 लाख को रोजगार दूंगा, उसने कहा था। और जब उसका बहुत नाम होने लगा तो हम लोग से अलग हो गया। नीतीश कुमार चला है डबल इंजन के सरकार में, उससे कोई बड़ी बात नहीं है। भले वो सोच रहा होगा कि तेजस्वी बाबू मार खा गए राजनीति में, मार नहीं खाया। लोकसभा तुम्हारा तो विधानसभा हमारा, हम लोग विश्वास सरकार बना लेंगे। थोड़ा भूल तो हुआ है, उसको हम लोग सुधार के सरकार बना लेंगे बिहार में। बात अभी लोकसभा चुनाव की हो रही है, तो लोकसभा में जहानाबाद से जहां से आप जीते हैं, उन लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो सरकार कितना पैसा का बजट करता है और कौन कौन चीज में ला रहा है, उसके अनुसार फिलहाल मैं वचनबद्ध हूं कि पटना से लेके मैं ले जाने वाला हूं चतरा, एक रेलवे लाइन रेल उस पर मैं चलाऊंगा। तो हम चाहते हैं कि पटना से एक रेलवे लाइन जाए चतरा तक, डाल्टेनगंज होते हुए, डाल्टेनगंज करते हैं ये औरंगाबाद होते हुए, पटना से बीटा, बीटा से औरंगाबाद, औरंगाबाद से चतरा, उधर से कोयला लेकर इधर आएगा, कोयला और बालू, और इधर से जो है वो लेकर जाएगा काफी सामान, काफी सामान लेकर जाएगा। दूसरा तीर्थ स्थल है, पर्यटक को बहुत बढ़ावा मिलेगा उससे, काफी काफी बढ़ावा मिलेगा। तो वो रेल लाइन के लिए हम वचनबद्ध हैं और उस काम को हम आपको ही वचन देते हैं, मैं करवा के रहूंगा, न तो नेतागिरी छोड़ के रहूंगा। और जो युवा है जो राजनीति में आना नहीं चाहती है या फिर राजनीति को गंदा मानती है, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे और क्या बताना चाहेंगे अपनी राजनीति के बारे में? भैया वो अपना दिमाग से काम ले, उसको लाभ होगा, उस पर कुछ कोई कमेंट नहीं करेंगे। अपना दिमाग से काम लेना उचित होगा। आप जब युवा थे तो आप राजनीति के बारे में क्या सोचते थे? हम जो युवा थे तो हम फौज में बहाल होना चाहते थे, क्योंकि जहां पर मेरा घर है गया जिला में, आर्मी कैंटोनमेंट मेरा घर के पास में, आधा किलोमीटर पर आर्मी कैंटोनमेंट है। तो रोज उस सब के देखते थे परेड करते हुए, और परेड में फिर उस सब नाश्ता पानी करने के बाद थोड़े देर के बाद उस सब बहुत गोली चलाता था, फिर कोई आदमी बहुत घोड़ा पर घोड़सवारी करता था, कोई आदमी बहुत बुलेट मोटरसाइकिल पर एक्सरसाइज करता था तरह तरह का। तो हमको अच्छा लगता था कि यही नौकरी मेरे लिए बहुत अच्छा है। तो नौकरी तो हम करना चाहते थे आर्मी में, मेरा पसंदीदा नौकरी था, पसंदीदा है। अगर जरूरत पड़ेगा तो देश की हम सेवा दे सकते हैं आज भी, क्योंकि उतना हमको जानकारी है, रहने से और देखने से हमको काफी नॉलेज हो गया, और उसी के चलते हम एनसीसी में रहे हैं 7 बरस। एनसीसी का काफी लंबा चौड़ा उसमें काम किए, देखे रहे और जानकारी लिए बहुत, तो काफी नॉलेज हो गया हमको। भाग था नेता बनने के लिए, तो जब लालू प्रसाद जी के यहाँ गए 1981 में, तो 81 में लालू यादव के यहाँ गए, तो अच्छा नेता अच्छा लीडर थे, तो आना जाना शुरू हो गया। तो हम एक दिन उनसे बोले कि हमको फौज में बहाल करवा दीजिए। तो बोला ने फौज में बहाल तुम अपना छोटा भाई के करा दो या और बड़ा भाई उसको करा दो और तुम नेता बन जाओ। तो सचमुच भाई को बहाल करा दिए, एक भाई को पुलिस में करा दिया, वो फौज में करा दिए। मगर हम चलाए नेतागिरी भी चलाए लालू जी के साथ, आज तक वही है, न पार्टी बदले न नेता बदले न झंडा बदले। आपको एक नाम दबंग नेता भी दिया गया है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे?
सुनिएगा तो बड़ा हंसिएगा। दबंग नेता में नहीं है मेरा नाम, मेरा नाम असली है मगध का राजा, मगध सम्राट। यह हकीकत है कि मगध का सम्राट तो लोग हमको उपाधि दिया है, पर सम्राट में कोई ताज नहीं है सर पर, कोई कुर्सी नहीं है। सम्राट का जो कुर्सी होता है वो कुर्सी नहीं है, कोई ताज नहीं है, कोई हथियार नहीं है। हर जाति, हर धर्म, हर मजहब के लोग मेरे साथ रहता है, उसी का नाम मगध सम्राट है। वो बहुत बड़ा मेरे पास ताकत है, उसी सम्राट के बदौलत हम यहाँ चुनाव जीत के लोकसभा पार्लियामेंट में पहुंच गए। सवाल कि आप अपना आदर्श किसे मानते हैं? लालू प्रसाद यादव मेरा आदर्श पिता है, राजमाता राबड़ी देवी मेरी माँ है। चूंकि मेरा माता पिता नहीं है, दोनों स्वर्गवास हो गए, तो मेरा माता पिता वही लोग हैं। क्या उम्मीद करते हैं अपनी जनता से या फिर देश की जनता से? तो हम चाहते हैं कि जिस उद्देश्य से आए हैं तो सरकार एक ऐसा बजट बनाए कि बेरोजगार को रोजगार मिल जाए, काम मिल जाए और किसान को दुगना लाभ मिल जाए। मैं ऐसा चाहता हूं, क्योंकि ये किसान पर यह देश चलता है और जब किसान नहीं रहेगा तो देश कहां से रहेगा। तो किसान का बहुत भारी सपोर्टर आदमी है। तो ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल पार्टी से सुरेंद्र जी। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सांसद से।